नमस्कार दोस्तों, नाइला सेमिनार में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने चौहान वंश के बारे में, हमने चौहानों के आदि पुरुष संस्थापक से लेकर राजेराज फिर अणोराज के बारे में पढ़ा था। कल मैंने बताया था कि अब चौहान वंश के दो शासक बच जाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है विग्रहराज चतुर्थ और दूसरे का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये दोनों शासक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक लाइन किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए, चौहान वंश के पार्ट सेकंड में आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, हमने देखा था कि अर्णोराज आना जी का बड़ा बेटा जिसका नाम था जगदेव, जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी तो चौहानों का पितृहंता कहलाया। तो पितृहंता शासक को जनता वैसे ही पसंद नहीं करती, तो जगदेव को हटाकर अब शासक बन जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, इसकी एक एक लाइन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई। अब इसमें देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, पहले उपाधि देख लेते हैं इसकी। उपाधि, तो उपाधि इसको कवि बांधव की उपाधि, इसकी उपाधि दी थी इसको दोस्तों कवि बांधव की उपाधि, क्योंकि एक कवि था तो कवि बांधव की उपाधि दी थी इसने। इसका कवि बांधव की उपाधि थी नाम, अन्य नाम, इसका दूसरा नाम भी है, अन्य नाम था इसका बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते थे? बीसल देव भी कहते थे। उपाधि किसकी थी? कवि बांधव की। कवि था तो इसने एक नाटक लिखा था, देखो नाटक, और नाटक का क्या नाम था? हरि खेल। नाटक का क्या नाम था? हरि खेल। बीसल देव इसका नाम था, तो इसके नाम के ऊपर एक बांध है, परियोजना है बीसल देव बांध, ठीक है, बीसल देव परियोजना, इसके बारे में हम देखेंगे। बीसल देव परियोजना, बीसल देव परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी? बीसल देव परियोजना। किसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बीसल देव बांध का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कवि बांधव उपाधि की, नाटक हरि केली जो इन्होंने लिखा था। अब इस नाटक के बारे में थोड़ी सी आपको बता दें, इसका अन्य नाम क्या है? बीसल देव, जिसके बारे में हमने देख लिया। देखो, ये जो नाटक है, पूछ लिया जाए हरि केली जो नाटक है वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। इसमें भगवान शिव, भगवान शिव और अर्जुन के युद्ध का क्या है? इसमें संवाद है। तो कौन सी भाषा लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। अब पूछ ले कि ये हरि केली नाटक की पंक्तियां किसमें लिखी हुई है, कौन सी इमारत? तो इमारत है ढाई दिन का प्रश्न पूछा गया, ढाई दिन के झोंपड़े पर कौन से नाटक की कुछ श्लोक लिखे हुए? तो हरि केली नाटक के श्लोक लिखे हुए। ये हरि केली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा। पहले ये संस्कृत पाठशाला बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने, उसी को ढाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोंपड़ा बनाया था। अभी इसके बारे में भी बताते हैं आपको। देखिए, अब हम आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब इसकी उपाधि आ गई। अब ये स्वयं विद्वान था, कवि था, तो इसके दरबार में क्या थे? और भी विद्वान रहा करते। इसके दरबार में एक इसका दरबारी था, कवि था, जिसका नाम था सोमदेव। सोमदेव दूसरा था नरपति नालय। दोनों याद रखने चाहिए आपको, सोमदेव और नरपति नालय। सोमदेव ने के लिखा था ग्रंथ जिसका नाम था ललित विग्रह राज। नरपति नाले ने लिखा था, इसका दूसरा नाम क्या था? बीसल देव। और इसके गुणगान है
तो क्या बन गया, बिंसल देव रस। खुद का नाटक हरि के लिए जो सोम ने लिखा था, दो विद्वान रहा करते थे सोमदेव, ठीक है, ललित विग्रह राज नरपति नाल, क्या लिखा बिंसल देव रस, ठीक है। इसके बाद में देखिए सबसे इंपोर्टेंट था कि चौहानों का स्वर्ण काल भी होता है उस समय जब विग्रहराज चतुर्थ शासक बने थे, इन्होंने दिल्ली को जीत लिया था, तो दिल्ली क्या बन गई थी राजधानी। अब यहां हम देखेंगे, देखो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी हमने देखा था अहिछत्र, फिर वहां से अजय राज लेके आते हैं अजमेर, ठीक है। उसके बाद यहाँ राजधानी जाती है दिल्ली, और दिल्ली ले जाने वाला कौन था विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। अब इसकी कुछ बातें और हैं देख लेते हैं। इन्होंने एक सन पाठशाला बनवाई, निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला, ये संस्कृत पाठशाला बनवाई किसने, विग्रहराज चतुर्थ। बाद में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और किसमें बदल दिया, ढाई दिन का झोंपड़ा, ठीक है। तो संस्कृत पाठशाला को तोड़कर ढाई दिन का झोंपड़ा, हरि के लिए नाटक के अंश संस्कृत पाठशाला के बाद में ढाई दिन का झोंपड़ा। अब इसको देखिए यहाँ पर हम किंवदंती है, हमें लगता है कि ढाई दिन का झोंपड़ा ढाई दिन में बना होगा, ऐसा संभव है, बहुत बड़ी इमारत है वो, ढाई दिन में तो नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर एक सूफी संत है जिसका नाम है पंजाब साहा, क्या है वो सूफी संत, तो पंजाब साहा सूफी संत का यहाँ ढाई दिन उर्स होता है, जिस तरह हिंदुओं में मेला उस तरह मुस्लिम में क्या होता है मुस्लिमों के उर्स होता है, तो ढाई दिन का उर्स लगता है कहाँ, ढाई दिन के झोपड़े पर। किसका उर्स लगता है, पंजाब साहा का, क्या थे ये सूफी संत थे, इस कारण इस इमारत को ढाई दिन का झोपड़ा बोल देते, ठीक है। तो इस तरह इसकी कुछ बातें थी, आपको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं, क्या बातें थी कि इसको कवि मानदोल के बाद ही दे दी गई, ठीक है। दूसरी जो बात थी कि इसने एक नाटक लिखा हरि के लिए नाटक, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, अर्जुन शिव के युद्ध का संवाद है उसने संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, इसके कुछ श्लोक है वो ढाई दिन के झोंपड़े में लिखे हुए हैं। इसके दरबार में दो दरबारी थे, इसके बारे में सोमदेव और नरपति नाले दोनों के अलग अलग ग्रंथ थे, सोमदेव का तो ललित विग्रहराज और नरपति नाले का बिंसलदेव। इसने एक बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, इसका दूसरा नाम बीसलदेव है। तो इस तरह ये, और इन्होंने दिल्ली जो राजधानी लेकर आया चौहानों की, वो कौन लेकर आया, विग्रहराज चतुर्थ। तो इस तरह दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम चौहान वंश के अंतिम और सबसे प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे, आप सबको इंतजार होगा, और उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। ये व्यक्ति शासक बनता है 1177 से 1192, कहीं पर 77 कहीं पर 78, उसके बारे में बताएंगे कैसा क्यों, ठीक है। अब पिता पूछ ले इसका, पिता तो इसके पिता थे सोमेश्वर, माता थे कर्पूरी देवी, यहां संरक्षिका और लिख देंगे इसको, प्रश्न पूछ ले इसकी संरक्षिका कौन थी, पृथ्वीराज चौहान की थी, इसकी माता ही संरक्षिका थी क्योंकि इसके पिता की मृत्यु होने पर
ये अल्पायु में शासक बन जाते हैं। ठीक है, अब जन्म देख लेते हैं। जन्म हुआ इनका 1166 ईस्वी में, कहाँ हुआ? अहिल्यपाटन। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बेसिक जानकारी, जन्म 1166 अहिल्यपाटन गुजरात में। पिता सोमेश्वर, वृद्धावस्था में ये वही अनुराग तीसरे पुत्र, वृद्धावस्था में शासक बनते। माता कर्पूरी देवी। अब उसके बाद में इनकी पटरानी या मुख्य रानी होती है, जैसे राजाओं की रानी बहुत हुआ करती थी, और इसका नाम था संयोगिता। इसको बगा करण शादी की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये पटरानी हो गई। उसके बाद में इसका जो प्रधानमंत्री है, घोड़ा भी पूछ लेते हैं कई बार, घोड़ा था इसका नाट्यरंभा, इसका भी कहानी है आपको बताएंगे। घोड़ा भी क्या है इसका नाम? नाट्यरंभा। इसका प्रधानमंत्री, इसके प्रधानमंत्री का नाम है के मासा राठौड़। सेनापति, सेनापति है इसका भुवन मल्ल। ठीक है, और पुत्र है इसका गोविंद राज। यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं। यहां से तो ये घोड़ा हो गया। अब इसका प्रधानमंत्री यहाँ दिख रहा होगा, आप देखिए प्रधानमंत्री है के मासा राठौड़। सेनापति हो गया भुवन मल्ल। ठीक है, और पुत्र हो गया गोविंद राज। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सामान्य जानकारी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बनते 1173 से 1192। प्रधानमंत्री खेमासा राठौड़, सेनापति मोहन मल्ल, पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, संरक्षिका भी यही कहलाती है, अल्पायु में शासक बन गए थे। ठीक है, 11 वर्ष की आयु, जन्म 1166 में अहिल्यपाटन गुजरात में हुआ, पटरानी की संयोगिता और घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं किस तरह इसने अपना चारों तरफ इन्होंने अपना यश फैलाया, किस तरह इनका आप वो देखते हैं कि ये जब यहाँ शासक बन जाते हैं, अजमेर में उस समय देखिए, यहाँ से जब ये संचालन करते हैं सब चीजों का। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पहला जब इनसे युद्ध होता है, देखिए पहला जब इनसे युद्ध होता है तो यहाँ पर एक जाति होती है, उस लिया जाता है बंडानक जाति। ये वो जाति जो धीरे धीरे किसी स्थान पर कब्जा कर लेती है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी जाति का दमन किया? बंडानक जाति का दमन किया। ठीक है, इससे पहले दोस्तों देखेंगे इन्होंने 1178 में क्या कर दिया था, अपने चचेरा भाई था इसका नाम था नागार्जुन, नागार्जुन का दमन किया था इसने यहाँ पर। तो ये वास्तविक शासक बन जाते 1178 में। ठीक है, नागार्जुन गुड़गांव के आसपास क्षेत्र पे उन्होंने अधिकार कर रखा था, सबसे पहले इसका दमन करते हैं। फिर भंडारण जाति का दमन किया। फिर एक शासक था, देखो महोबा एक राज्य था, क्या नाम था? महोबा। ठीक है, यूपी में है ये भी। महोबा के शासक थे जिसका नाम था परमरी देव चंदेल, आपको याद रखना है। एक बार क्या होता है कि सैनिक दिल्ली से वापस लौट रहे थे, परमरी देव चंदेल उन सैनिकों को क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। उनको मृत्यु हो जाती, जब पता किसको लगता है? प्रतापी शासक का युद्ध होना जरूरी था। इसके दो बड़े वीर सैनिक थे जिसका नाम था आला होरे उदल। दो वीर सैनिक थे जिसका क्या नाम था? आला और
उद्धव किसके बीच सैनिक थे? परमरी देव चंदेल के। ठीक है, कहाँ का शासक था ये? महोबा का शासक था। इसके बारे में इतने वीर थे, इनकी बड़ी जोड़ियां थी। इसके बारे में एक वहां पर एक प्रचलित कथा भी है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार और बरस 18 छतरी जिए, बाकी जीवन बेकार। तो एक आला और उद्धव बहुत वीर थे। जब यहाँ पर हमला करता है पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर, तो आला और उद्धव बड़ी वीरता से इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। महोबा यूपी से इस तरह हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इनका जिसका अगला आक्रमण होता है गैडवाल वंश पर। कौन से वंश पर होता है? गैडवाल वंश पर। और इसका शासक कौन था? जयचंद। इसका शासक कौन था? जयचंद। जयचंद का देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ देख लेते हैं, भंडारक जाति का दम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अब अगला जो होता है इसका आक्रमण होता है गैडवाल वंश के शासक जयचंद के ऊपर। जयचंद की बेटी का नाम क्या था? संयोगिता। जयचंद की बेटी का क्या नाम था? संयोगिता। ये संयोगिता का मामा का बुआ का रिश्ता था किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि दिल्ली जाते हैं, वहां पर इनको प्रेम हो जाता है एक दूसरे से। और उसका पता जब जयचंद को लगता है तो जयचंद संयोगिता को वापस बुला लेता है। इसके बाद में इसका स्वयंवर हो जा करवा देता है संयोगिता का। तो स्वयंवर में क्या होता है देखिए, सब राजाओं को बुलाया जाता है, इसको छोड़कर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? वहां पर जहाँ पर सभी अपने जूते उतारते हैं वहां पर पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा रख दी जाती है। तो संयोगिता उस प्रतिमा पर माला डाल देती है, तो शासक और भी क्या हो जाते हैं वहां पर भड़क जाते हैं। जब पहले से ही तुम्हें पता है तो हमारा यहाँ अपमान करने, जब पहले से ही मामला सेट था तो हमारा क्यों अपमान हुआ यहाँ पर? तो इसलिए फिर पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, संयोगिता को क्या करते हैं वहां से उठा लाते हैं और कान ले आते हैं अजमेर में। यहाँ संयोगिता को ले आते हैं और इसके बाद में भगा कर यहाँ शादी कर लेते हैं। तो ये उस तरह गैडवाल वंश भी, जो इस गैडवाल था ये कहाँ था? कन्नौज में। कहाँ था? कन्नौज। ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ कन्नौज में गैडवाल वंश शासक जयचंद, तो यहाँ पर इस तरह हो जाता है। अब देखिए इसका अगला होगा तो यहाँ पर गुजरात में होगा। इसका गुजरात में शासक थे भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड गुजरात में शासक थे। तो क्या होता है, गुजरात के शासक भीमदेव आबू की राजकुमारी, आबू की राजकुमारी से क्या करना चाहते हैं, ये शादी करना चाहते हैं। लेकिन आबू की राजकुमारी से शादी कौन करना था? पृथ्वीराज चौहान। इस तरह दोनों में संघर्ष होता है। तो भीमदेव सेकंड को भी यहाँ पर कौन हरा देता है? पृथ्वीराज। अब देखिए, हमने देखा पृथ्वीराज चौहान यहाँ के आसपास का सबसे प्रतापी शासक हो जाता है। अब देखिए परिस्थितियां बदलने वाली है, क्या होगा अब यहाँ पर, किसका आगमन होगा? मोहम्मद गोरी का आगमन। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक। इसका आगमन होगा मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी एक बार 1178 में भी आया था, लेकिन भीमदेव सेकंड ने बहुत परास्त करके उसको वापस भेज दिया था। अब मोहम्मद गोरी वापस से सेना तैयार करके यहाँ आते हैं और प्रसिद्ध युद्ध होता है 1191 का, और इस युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध। यहाँ पर देखिए एक जो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ युद्ध होता है 1191 में तराइन का युद्ध,
पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, जिसका नाम था चंद्र बरदाई। ये चंद्र बरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्र बरदाई ने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, हालांकि पूरा उसके पुत्र जनन ने किया। मोहम्मद गोरी 1151 में आता है, तराइन का युद्ध होता है, उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं गोविंद। ये गोविंद वहां के थे दिल्ली के, गोविंद राज देते हैं इसका साथ। तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान का इस युद्ध में जीत जाते हैं और हार किसकी होती है? मोहम्मद गोरी को। गलतियां यहाँ ये होती है कि मोहम्मद गोरी भाग रहा था उस समय, उसका पीछा करके अगर उसको मार दिया जाता समस्या वहीं समाप्त हो जाती, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान ने उसको जाते समय राजपूत और पीठ दिखाते हुए शत्रुओं पर वार नहीं करते ऐसा उन्होंने मान लिया। तो देखिए 1191, अब 1191 में तराइन का पहला युद्ध हो गया और इस युद्ध में जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। अब क्या होगा 1192 में आ गया, देखो 1192 में दूसरा युद्ध आ जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों युद्ध पूछ ले जाते हैं। अब देखिए तराइन के जो द्वितीय युद्ध है इसमें क्या होगा, स्थितियां यहाँ पर बदलेगी, परिस्थितियां क्या होगी यहाँ पर बदलेगी। इसमें क्या होगा 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी, उन्हें क्या, अब यहाँ पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सारे खतरे टल गए, भाई गोरी वापस भाग गया, लेकिन गोरी पुनः तैयारी के साथ आता है इस युद्ध में और फिर सेना वहां डटती है। पृथ्वीराज चौहान तो जीता हुआ था, आश्वस्त था, सेना इनकी यहाँ पहुंचती है। तो इसमें देखिए यहाँ क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान की सेना जब यहाँ पर जाती है उनसे, तो यहाँ पर गोरी एक क्या करता है, चाल खेलता है। गोरी क्या करता है, चाल खेलता है। वो कहता है कि मैं अपने भाई से गजनी पूछ लेता हूँ आक्रमण करना है या नहीं। उस समय पृथ्वीराज चौहान सोचते हैं चलो ठीक है, पूछेगा गजनी जाएगा, आज की तरह कोई मोबाइल फोन तो है नहीं, जाएगा आएगा, वक्त लगेगा। तो सेना पूरी तरह से निश्चित हो जाती है और गोरी इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। सुबह के समय गोरी क्या करते हैं वहां पर हमला करते हैं, सुबह के समय क्या करते हैं वहां पर हमला करते हैं। उसपे देखिए कि गोरी जब हमला करते हैं वहां पर तो सेना तैयार नहीं थी पृथ्वीराज चौहान की और स्थितियां यहाँ पर इतनी खराब हो जाती है। 1192 में जीत कौन जाता है, मोहम्मद गोरी, गोरी गया जीत। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौहान वंश का यहाँ समाप्त हो जाता है। और अब यहाँ पर दो किंग नदियां हैं, इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि क्या होता है कि गोरी इसकी हत्या कर देता है पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन इसका एक दरबारी कवि था जिसका क्या नाम था, चंद्र बरदाई। ये चंद्र बरदाई अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि उसको बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाकर कहाँ ले जाते हैं, गजनी ले जाते हैं और गजनी ले जाकर उसकी अंधा करवा देते हैं। फिर वो कहते हैं चंद्र बरदाई, ध्यान दीजिए चंद्र बरदाई जाता है कहाँ, गजनी इसके साथ। फिर वो लाइन लिखता है कि पुस्तक दे जलहन चले नृपकार, इसका अर्थ हुआ कि चंद्र बरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था इसको पूरा किसने किया, प्रश्न अगर पूछा जाए पूरा किसने किया तो इसको पूरा किया था जलहन ने। जलहन किसका बेटा था, चंद्र बरदाई का। यह लाइन होती है पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज, अर्थात राजा के काम के लिए उसके साथ चल जाते हैं और वहां कहता है कि अंधा करवा दिया पृथ्वीराज चौहान को। फिर उसको कहते हैं चंद्र बरदाई को, तुम्हारा मैंने सुना है तुम्हारा राजा हवा से तीर लगाता है, तो कहता है ऐसा ही है, पर उसके बाद में अंगुल प्रणाम ऐसा प्रमाण ऐसा करके और मत चूके चौहान, कहते हैं वो तीर जाकर गोरी को लगता है, लेकिन गोरी की वही मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एक दूसरे को कटार बोल कर वो हत्या कर देते हैं। ऐसा कौन बताता है, चंद्र बरदाई बताता है। तो इतिहासकार इसको काल्पनिक बातें मानते हैं, ठीक है, इस पर इतना सहमत नहीं होते हैं।
तो आप उसके बारे में देखिए। तो दोस्तों अब हमने चौहान वंश के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब इसका एक पुत्र है जिसका नाम था क्या, गोविंदराज। वो गोविंदराज यहाँ से जाएगा और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करेगा। अब चौहान वंश के पार्ट थ्री में अब हम गोविंदराज के बारे में पढ़ेंगे, यानी रणथंभौर के चौहानों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, और हमारा ये कोशिश रहेगी कि मैं राजस्थान जीके और राजनीति विज्ञान की सिक्वेंसी से आप इसी तरह वीडियो डालता रहूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा प्रयास इस तरह ही आगे आपके सहयोग से जारी रहेगा। पढ़ते रहिए राजस्थान जीके विद मारू।